मर्दों के मुकाबले में हमेशा खवातीन मजहबी ज्यादा होती हैं जी। और ये जो मजहब मिलता है औलाद को जी, ये माँ से ही मिलता है। सही, माँ जो है वो असल में गहवारा है बच्चों की तरबियत का। तो अब देखिए, सदका खैरात जितना माँ करती बाप नहीं करता। जरा सा बच्चे को बुखार हुआ, उसने पैसे निकाल के तकिए के नीचे रख दिए। सही, जरा सा बच्चा बीमार हुआ किसी बुजुर्ग के पास ले गई दम करा दो। सही, जरा सा कुछ हुआ जो कुरान लेके बैठ गई। तो मर्द को तो इसकी फुर्सत ही नहीं है, माश के एतवार से सुबह को जाएगा शाम को आएगा जी बिल्कुल। तो ये बात सही नहीं है कि वो खवातीन मजहबी नहीं होती, खवातीन होती ही मजहबी हैं। अच्छा सही। मैं एक ये भी बात आपसे जानना चाह रही थी कि आप लेक्चर भी देते हैं और आपने बहुत कुछ लिखा भी है और लोगों से बातचीत करके उनके मसले मसाइल डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं, उनको उनके हल बताते हैं। तो आज का जो दौर है, आजकल हर कोई जरिया माश की फिक्र में है, तो किसी के पास भी इतना वक्त नहीं होता, किसी से पूछो जी वक्त नहीं है वक्त नहीं है। तो किस तरह से आपकी ये तमाम चीजें लोगों तक पहुंच पाती हैं और वो उनको पढ़ते हैं या टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने का? देखिए, ये अगर एक किताब आप छापे जी और वो मकबूल ना हो जी, तो दूसरी किताब कैसे छपेगी? सही, तो मेरी तो 25 किताबें छप गई हैं, 60 किताब लिखे गए, तो अगर ये मकबूल है तो लिखे जा रहे हैं ना। आपका ख्याल है कि आपकी मतलब बातों में ऐसा असर है या लोग वाकई? मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, बात लॉजिक के साथ करता हूँ। अगर मैं ये वो कह दे जी नौजवान नस्ल जो है वो खराब हो गई जी, मैं कहता हूँ नहीं, नौजवान नस्ल नहीं खराब हो गई। बुजुर्गों का जो अपना काम था, जो जिम्मेदारियां थी, वो कम हो गई। मसलन अब हर आदमी जो नमाजी है वो अकेला मस्जिद में नमाज को चला जाता है जी। अब मैं अपने घर में हूँ, मैं तो अपने पोते को साथ लेके जाता हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो वालदैन ने अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया है दुनिया में कि उनके पास औलाद के लिए वक्त ही नहीं रहा। तो इसलिए औलाद जो है वो क्या करे, उसकी जो जरूरत है, उसके जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको प्यार भी चाहिए, वो दोस्ती का माहौल भी चाहता है। बिल्कुल। दूसरे के हर घर में मियां बीवी में इतना ज्यादा फसाद बरपा हो गया कि वो औलाद ये समझने लगे हैं कि वालदेन का तो मकसद ही यह है कि साहब वो बस लड़ते रहें आपस में। औलाद के साथ साथ वालदेन की भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को वक्त दें। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, हम हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि बंदा अल्लाह से डरे नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो जाके अगर स्कूल में कह देते हैं कि साहब अल्लाह से क्यों डरे भाई, अल्लाह से तो प्यार करना चाहिए, अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए। अब वालदेन इस बात को जो है, या बुजुर्ग हमारे या माहौल के लोग बड़ा महसूस करते हैं, ऐसा अल्लाह से तो डरना चाहिए भाई, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। बिल्कुल। डर का मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह का अदब करें, एहतराम करें, और उस एहतराम की बुनियाद पर आप अल्लाह अल्लाह के सारे जो पसंदीदा काम है वो करें जी। तो अब वो बच्चा कहता है कि अल्लाह से क्यों डरें जी, बस अल्लाह से डरें। उसको आप समझाएं भाई, डर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह मियां से कोई खौफनाक चीज है। डरने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिन बातों को कहा है, अगर तुम वो नहीं करोगे तो अल्लाह मियां नाखुश होंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, अल्लाह ताला की जात तो इतनी शफीक है, शफीक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से मैं ये बात करना चाहूंगी कि इस्लाम के किन असूलों और जाबतों पे हमें अमल करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, खासतौर से आज के दौर में कि जब लोग ये कहते हैं कि वक्त नहीं है, कामों में मसरूफ हैं, बुराइयां बहुत हैं सोसाइटी में, फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं, हमें इतनी सहूलतें मैसर हैं, तो किस तरह से वक्त निकालना चाहिए मजहब के लिए, क्या करना चाहिए लोगों को, कोई ऐसी बात? इस्लाम के किन उसूलों पे अमल करना चाहिए जी? उसका तो यह है कि इस्लाम के सारे ही उसूलों पे अमल करना चाहिए। पहले इस्लाम को समझना चाहिए। इस्लाम का मतलब है सलामती का रास्ता जी। तो सलामती का मतलब यह है कि आप सारे वो काम करें जिससे आपको भी राहत आराम मिले जी, आपकी भी सलामती यकीनी हो, आप भी अदम तहफ्फुज़ से बाहर आ जाएं और दूसरों के लिए भी आप यही चाहें
दुरुस्त। अच्छा सर, एक अभी सवाल हमारे पास आया है, फोन आया है किसी का, सरगोधा से, मोहम्मद मुनीर का, और उन्होंने वो जो मुराकबे से मुतालिक हम बात कर रहे थे उसी पे उन्होंने पूछा है कि मुराकबा करने का सही वक्त क्या है, किस वक्त करना चाहिए? मुराकबा करने का तीन वक्त बताए जाते हैं सही। एक तो रात को सोने से पहले जी, एक फजर की नमाज के बाद जी, और एक जोहर की नमाज के बाद। अच्छा, तीनों वक्तों में से? इसका ताल्लुक असल में सूरज से है, सूरज अच्छा। गुरूब, सूरज का तुलू होना और सूरज का जवाल होना। लेकिन जोहर की नमाज के बाद का वक्त ऐसा होता है, क्योंकि वो मार्च के वक्त है, उसमें कोई नौकर है, कोई कारोबार करता है जी, तो उसमें सबसे अच्छा वक्त जो है वो रात को सोने से पहले का है। अच्छा, रात को सोने से पहले वुजू करके जी, और आप मुराकबा करें। मुराकबे से पहले दरूद शरीफ पढ़ लें 100 दफा, 100 दफा या हय्यू या क़य्यूम पढ़ लें। अच्छा, आंखें बंद करके बैठ जाए। अब अगर बीमारी से मुतालिक मुराकबा करना है अच्छा, तो किसी करंट थेरापिस्ट से आप रुजू करें। अच्छा, सारी कैफियत हमें लिख के भेज दें मरकजी मुराकबा हाल कराची के नाम। अच्छा, हम आपको मुराकबा तजवीज़ कर देंगे। वो अपनी मतलब डिटेल से आप अगर उनको लिख दें तो ये डिटेल से आपके सवाल का जवाब जो है वो आपको भिजवा देंगे। अब ये है कि आप मुराकबा करना चाहते हैं सुकून के लिए जी, वो अलग मुराकबा है। मुराकबा करना चाहते हैं आप इल्मे गैब के लिए, मतलब ये कि औलिया अल्लाह की और वहां से मुलाकात हो, ये भी एक तरह का गैबी है जी, बिल्कुल। और पैगंबरों की अरवाह से अल्लाह ताला फजल फरमाए तो उनकी ज्यारत से आदमी मुशर्रफ हो जाए। फरिश्ते अगर अल्लाह चाहे वो आदमी कोशिश करे तो फरिश्ते भी नजर आ सकते हैं, जिन्नात से भी मुलाकात हो सके। ये सारा अल्लाह के फजल के ऊपर है जी। लेकिन अल्लाह का फजल जो है, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरा फजल तलाश करो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये मुराकबे से आदमी अपनी रूहानी कैफियत से भी वाकिफ हो सकता है, अपनी रूह को भी तलाश कर सकता है। सही, मुराकबे से कशफुल कुबूर भी हो सकता है। आप अजीज अकरबा रिश्तेदार औलिया अल्लाह है, आप वहां जाके कब्र पे जाके बैठे, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप उनकी अरवा से मुलाकात कर सकते हैं। उस दिन बर इमाम साहब से मुलाकात कर लें, दादा साहब से मुलाकात कर लें, बाबा फरीद से मुलाकात कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात कर लें। अच्छा, और ये औलिया अल्लाह की किताबों में भरा पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई नई बात कह रहे हैं। सही, इसके तो बाकायदा इस्तलाहें भी मुकर्रर हैं। तो मुराकबा एक मुकम्मल इल्म है जो आप बीमारियां दूर करने के भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सुकून के लिए भी हासिल कर सकते हैं, ज़हनी हमांगी हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं, और मावराए दुनिया से वाकफियत के लिए भी मुराकबा कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी एक और सवाल हमें आया है, तनवीर अहमद ने इस्लामाबाद से ही पूछा है कि तमाम शहरों में आपने रूहानी लाइब्रेरियां कायम की हैं, तो इसी तरह की कोई लाइब्रेरी यहाँ इस्लामाबाद में भी है? इस्लामाबाद में भी है, दिल्ली में भी है। अच्छा, और मैंने असल में बात पूरी नहीं की, हमने ये इल्म को फैलाने के लिए लाइब्रेरियों का एक जाल बिछाया है जी जी, जिसकी तादाद अब तक 60 हो गई है। अच्छा, वो उसमें हम लिटरेचर फराहम करते हैं, दुरुस्त, अपना लिटरेचर भी फराहम करते हैं जी, और तसव्वुफ के बारे में जो औलिया अल्लाह की किताबें हैं, मशहूर मारूफ इमाम गजाली हैं जी, शाह वलीउल्लाह साहब हैं, मुजद्दिद साहब अजमसानी सरहंदी हैं जी, शेख शाहुद्दीन, इस किस्म की जितनी से मुतालिक नॉलेज फराहम करती हैं वो भी हम अपनी लाइब्रेरियों में रखते हैं और लोगों को लिए मुतालिक के लिए फराहम करते हैं। अच्छा सर, आपने नमाज के बारे में भी एक किताब लिखी है, नमाज जाहिर है बहुत जरूरी है मुसलमानों के लिए, बहुत छोटी उम्र में फर्ज हो जाती है, और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इनके करीब नहीं आती, मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को, खासतौर से उन लोगों के लिए के जो इन चीज को मतलब ज्यादा नहीं समझ पाते कि नमाज के क्या फायदे हैं, तो कुछ डिटेल आप इसकी बताएं। रूहानी नमाज मैंने किताब इसी बुनियाद पर अल्लाह की बीवी तौफीक के साथ लिखी है जी, उसमें नमाज के बारे में यह कि नमाज एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। पहली बात तो ये समझने की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज का तरीका जी बताया है जी, उस तरीके में इंसानी आज़ा की तमाम हरकत आ गई। मसलन हाथ उठाना, हाथ बांधना जी, हाथ खोलना जी, झुकना,
जी, खड़े होना, सजदा करना जी, तो ये एक तरह की इसमें ये सूरत है कि आप जिंदगी में कुछ भी करते रहें जी, आपका ज़हन अल्लाह के साथ वापस ना रहेगा। दुरुस्त, अगर आपने सही नमाज कायम कर ली, कायम की है। दूसरी बात, ये नमाज मुकम्मल एक्सरसाइज है जी। दुरुस्त, अगर कोई आदमी सही मानों में सजदा कर ले और सही मानों में रुकू कर ले, हम असल में नमाज उठक बैठक में खत्म हो जाती है। अगर नमाज में आप रुकू सही कर ले, सही तरीके से अपने घुटने पकड़े और उसकी टांगों में पूरी तरह खिंचाव हो, कमर सीधी हो जी, जी, उसको गठिया का मर्ज नहीं होता कभी। अच्छा, तो मतलब ये रिसर्च बिल्कुल दुरुस्त है कि वाकई इंसान एक बहुत अच्छी सेहत। अच्छा, इसी रूहानी नमाज किताब में मैंने लिखा है कि वुजू जो है वो ब्लड प्रेशर का इलाज है। अच्छा, अब इस वक्त मैंने हर लाखों करोड़ों आदमी देख रहे होंगे जी, जी, प्रोग्राम को, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जी, वो पानी से वुजू करें, ठंडे पानी से। अच्छा, अगर उनका ब्लड प्रेशर कम ना हो तो मुझे लिखे। अच्छा, हो ही नहीं सकता, लाजिम ब्लड प्रेशर कम होगा, और ये मैंने सैकड़ों आदमियों पे तजर्बा किया है। चले, ये तो बहुत अच्छा, तो इसका मतलब ये कि वुजू हाई ब्लड प्रेशर का मुकम्मल, जैसे आप 100 उसकी गोली खाते हैं ना एमजी की जी, एक वुजू आपका काम करेगी, आप करके देख रहे, तजर्बा कर ले इसमें। वाह। अच्छा, जोर की नमाज अगर आप पढ़ेंगे जी, जोर की नमाज पढ़ने वाले बंदे को अगर वो सही सजदा कर ले, तो जमीन की एक हरकत होती है, तुलानी महवरी गर्दिश, तो जब आदमी सजदा करता है जोर की नमाज में जी, तो जमीन की जो बेल्ट है जिसपे जमीन चल रही है जी, उसके अंदर से एक मखसूस किस्म की लहरें आदमी के माथे में जमा होती है, उस आदमी को मिर्गी नहीं होती। अच्छा, इशा की नमाज पढ़ने वाले बंदे जो है जी, उनको हमेशा अच्छे सच्चे ख्वाब नजर आते, नींद गहरी आती, उनको ख्वाबों में बिशारत होती। अच्छा, इसी तरह मगरिब की नमाज पढ़ने वाले लोगों की औलाद हमेशा सादतमंद होती, इस किताब अच्छा, में पूरी डिटेल है। अच्छा अच्छा, ये एक और सवाल हमें आया है कोटली आजाद कश्मीर से, प्रोफेसर अरशद राठौर, उन्होंने पूछा है कि टेलीपैथी क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। टेलीपैथी का जो आजकल कंसेप्ट है जी, वो ये है कि अल्फाज को इस्तेमाल किए बगैर ख्याल के जरिए अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। अच्छा, मसलन जैसे मैं कुछ सोचता हूँ जी, आप उसे समझ जाए, मैं ना होंठ हिलाऊं और ना जुबान से कोई लफ्ज अदा करूं। अच्छा, तो इसको इंतकाल ख्याल भी कहते हैं। अच्छा, टेलीपैथी का मतलब ये है कि बगैर गुफ्तगू किए हुए जी, बगैर फासले का तायुन किए हुए जी, मतलब यहाँ बैठ के आपकी कोई सहेली है अमेरिका में, आप यहाँ बैठ के ख्याल करें, आपकी सहेली वहां सुन लेगी आपके कि आप क्या कहना चाहती है। इसके लिए भी मुराकबे की मशकें कराई जाती है। अच्छा, इसके लिए भी मुराकबे की मशकें की जाएंगी। ये टेलीपैथी सीखे जो किताब है, इसके अंदर 8 महीने का कोर्स है। अच्छा, और हर महीने का अलग मुराकबा है, अलग हर महीने की प्रैक्टिस है। जब आदमी इसमें कामयाब हो जाता है, इसके लिए मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जी, जब कामयाब हो जाता है तो वो अपने ख्यालात के जरिए दूसरों को मुत्तले भी कर देता है और दूसरों के ख्यालात पढ़ भी लेता है। मसलन आप बैठी हुई हैं, आपकी सहेलियां आई हुई हैं, अब आपकी बहन आ जाती है कमरे में, आप उसको इशारे से देखती हैं कि भाई न्याना हो, आप ना गर्दन हिलाती ना जुबान इस्तेमाल करती, वो आपकी बहन समझ जाएगी, वहां से चली जाएगी। अच्छा, कभी तजर्बा कर रहे हो। अच्छा, सही। तो इसका ना एक टेलीपैथी की सलाहियत हर आदमी में मौजूद है, मौजूद है, सिर्फ प्रैक्टिस की। जितने ये जानवर हैं, ये सब ख्यालात के जरिए जी गुफ्तगू करते हैं। हम चूंकि जुबान बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं, इसलिए हम उससे दूर हो गए, लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें तो इंतकाल ख्याल की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, हम उसे इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। सर, सवाल तो हमारे पास बहुत है और दिल कर रहा है आपसे बातें किए जाएं, क्योंकि बहुत हमें अच्छी मालूमात मिल रही है और बहुत नई चीजों का पता चल रहा है और कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी आपको इन्वाइट करेंगे और आपसे मालूमात मजीद लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और नाज़रीन के सामने मुझे मौका फराहम किया कुछ कहने का,
इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार।